दोस्तों, आजकल एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में काफ़ी चर्चा है और लोग जो भी लैंडलॉर्ड और टीनेंट के मामलों में फंसे हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये एक्ट क्या है और इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो 2021 जून में ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसे हम कहते हैं मॉडल टेनेंसी लॉ। और ये इंडिया की रेंटल हाउसिंग मार्केट है उसको ये चेंज लाने वाला है। यानी जो भी अभी तक रेंटल हाउसिंग का जो एरिया है उसमें जो अभी तक चल रहा था, हर स्टेट का अपना अपना रेंट एक्ट वगैरह के हिसाब से सभी स्टेट्स अपना चला रहे थे, लेकिन अभी क्या है, ये मॉडल ड्राफ्ट, मॉडल टिनेंसी लॉ ड्राफ्ट जो है अप्रूव होने के बाद इसके लेवल के साथ, यानी इसके जो प्रोविजंस हैं उसको स्टेट्स के ऊपर कहा गया है कि वो अप्लाई करें अपनी अपनी स्टेट्स में, और उसके हिसाब से फिर आगे हर स्टेट का अपना रेंट एक्ट रेंट रेंटल हाउसिंग का जो है मामला वो आगे चले। तो इसके क्या क्या ये क्या फ़ायदा करेगा? ये फ़ायदा ये करेगा, मॉडल टेनेंसी लॉ जो है, ये जो अभी हाउसिंग की शॉर्टेज हो रही है देश में, उसको पहले तो उस गैप को ये कम करेगा। फिर दूसरा क्या इसका फ़ायदा है कि इससे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये अभी रिसेंटली सभी स्टेट्स में इसको भेजा जा चुका है हर स्टेट के पास, जिससे कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने रेंट लॉज में अपने चेंजेस एज पर दी सेंट्रल वर्जन, जो हमारा ये सेंट्रल एक्ट आने वाला आ गया है 2021 का, मॉडल टिनेंसी एक्ट 2021, इसके अनुसार अपने रेंट लॉज में कुछ प्रोविजंस को थोड़ा बहुत चेंज के साथ डाल सकते हैं। यानी ये सेंट्रल एक्ट है और बाकी स्टेट एक्ट्स में इसके सभी आधारित होने चाहिए सेंट्रल एक्ट पर, ऐसा कहा गया है। अब कुछ स्टेट इसे एक्सेप्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने से उन्हें काफ़ी काम करना पड़ेगा। इससे और भी कई फायदे हैं इस एक्ट के। ये ग्रोथ जो है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ाएगा। इस एक्ट के बाद जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और जो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो नए वेंचर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको भी मौका मिलेगा, वो आगे आके इसमें इसका फायदा उठा पाएंगी। और ये एक्ट जो है ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी आगे से पिछले जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एक्ट जो पुराने एक्ट हैं और जो केसेस चल रहे हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। ये जब से ये नया एक्ट आएगा उसके बाद से जो भी नए प्रॉब्लम्स आएंगी लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में, ये उन पे लागू होगा। अच्छा, इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, जो वैकेंट हाउसेस यूज़ नहीं हो रहे हैं पूरे देश में, उनके उनको ये अनलॉक करेगा, उनको यूज़ करवा पाएगा, ताकि वो उन लोगों को, उन ज़रूरतमंदों को काम आ सके जो एक हाउस की नीड करते हैं और वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अच्छा, इस दौरान गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा हुआ है और विचार भी मांगे हैं। अभी रिसेंटली कुछ क्वेरीज आई थी तो अभी वो पाइपलाइन में है कि देखें उसमें क्या होता है। और गवर्नमेंट का एम्बिशन है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 2022 तक, वो भी एक दिमाग में है। फिर रेरा एक्ट है, उसी की गाइडलाइंस पे, उसी के आधार, उसी के समकक्ष, उसी के लाइंस पर ये एक्ट बनाया गया है, रेरा एक्ट जो 2016 में बनाया गया था। अच्छा सॉरी सॉरी दोस्तों, इसके बाद स्टेट्स कुड सेटअप
रेंट अथॉरिटीज इन सिटीज। इस एक्ट के तहत रेंट अथॉरिटीज सेटअप की जाएंगी स्टेट्स द्वारा अपने अपने स्टेट्स के अंदर। अब उन रेंट अथॉरिटीज का क्या काम होगा? वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट को बुलाएंगी, उनके रेंट एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किए हैं, एक दो महीने के अंदर उनको वो आना पड़ेगा। जैसे ही रेंट एग्रीमेंट बनेगा उनमें, वो वहाँ पर आकर उसको जमा कराएंगी और वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे बाकायदा। रेंट अथॉरिटीज़ कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें वो डिसाइड भी करेंगे। अगर उसमें दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो फिर आगे रेंट कोर्ट्स में जा सकते हैं। कोई भी पार्टी रेंट कोर्ट्स जा सकती हैं। इसके अलावा अगर एक बार ये एक्ट आ जाएगा स्टेट्स के अंदर, तो कोई भी पार्टी बिना रेंट रेंट अथॉरिटी में अपना जो रेंट प्रिमाइसिस जो है वो रेंट पर देने के वक्त बिना रजिस्टर कराए रेंट अथॉरिटी के पास रेंट पर नहीं दे पाएंगी। लैंडलॉर्ड रेंट पे नहीं दे सकता जब तक कि वो रेंट अथॉरिटी में उसको रजिस्टर नहीं कराएगा। इसके अलावा अंकुश लगेगा आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट, कई बार बहुत ज़्यादा ले लेते थे लैंडलॉर्ड, तो उस पर अंकुश लगेगा। दो महीने का रेंट जो है वही ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये टीनेंट के फायदे में है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो रेंट कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, वो ही इसको एड्रेस करेंगे डिस्प्यूट्स को अंडर द मॉडल टीनेंसी एक्ट। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडल टीनेंसी एक्ट में जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होगी ओवर डिस्प्यूट्स रेंटल हाउसिंग से रिलेटेड में, यानी सिविल कोर्ट्स का उसमें डिसाइड नहीं करेंगे। और सेक्शन 30 जो इसमें दिया गया है वो रेंट अथॉरिटीज को इट गिव्स ज्यूरिस्डिक्शन टू हियर टू रेंट अथॉरिटीज। अच्छा, इसमें कौन से प्रोविजंस हैं जो हेल्प करेंगे लैंडलॉर्ड को? इट विल मेक इजी इविक्शन ऑफ द टीनेंट्स हु विल नॉट पे देयर रेंट्स, जो कि रेंट नहीं दे पाएंगे अपना दो महीने तक। दो महीने के बाद उनको निकालना इजी हो जाएगा। और सबलेटिंग नहीं कर पाएंगे टीनेंट्स बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड के। इसके अलावा टीनेंट्स को इससे क्या फ़ायदे होंगे? टीनेंट्स को सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, लिमिट में देने पड़ेगी, और टू रेगुलेट इंक्रीज इन रेंटल्स बाय लैंडलॉर्ड्स टू गिव 3 months नोटिस, यानी 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को इंक्रीज करने से पहले रेंट अमाउंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो लैंडलॉर्ड है वो रेस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए, जो रेंटेड प्रीमाइसेस है उसकी स्ट्रक्चरल डैमेज को ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए लैंडलॉर्ड रेस्पॉन्सिबल होगा। अब इसके बारे में हाउ इफेक्टिव कैन द मॉडल टीनेंसी लॉ बी? दिस लैंड टीनेंसी लॉ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट्स आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मॉडल पॉलिसी, यानी ये स्टेट्स पर छोड़ दिया गया है कि वो इस एक्ट को अपनाएं ना अपनाएं और कितना अपनाएं, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले सकता है। रूल्स आर नॉट बाइंडिंग, सो स्टेट्स विल नॉट बी इन हरी टू इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि बाइंडिंग नहीं है तो स्टेट्स भी थोड़ा स्लो चलेंगी इसे अपनाने में, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती, मे नॉट एक्सेप्ट दिस टीनेंसी लॉ एज इट रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ वर्क
ऑन देयर पार्ट, उनको काफी इसमें काम करना होगा। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडल टेनेंसी लॉ। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये चीज़ सही है और आप उसको उसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।